हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे आरपीएफ एनएलसी कांस्टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ एनएलसी कांस्टेबल का जो 798 पोस्ट 798 पोस्ट की जो भर्ती चल रही है, जिसका अभी फ़िलहाल आसनसोल और हावड़ा में यानी ग्रुप सी वालों का जो ट्रेड टेस्ट चालू है, उसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही दोस्तों उसी भर्ती की बात कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी ग्रुप बी और ए का जो है कम्प्लीट हो चुका है ट्रेड टेस्ट। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि कब तक जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसकी ऑफिशियली वेबसाइट साइट पे। जी हाँ दोस्तों, हमें कांस्टेंट जो है कमेंट कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट के बारे में बताइए, कब तक आएगा इसका रिजल्ट, कब तक हम चेक कर सकेंगे अपने रिजल्ट को ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो दोस्तों, आज हम आपके जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्मार्ट नौकरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो हम उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले स्मार्ट चैनल पर दिखाते हैं और उसके फाइनल रिजल्ट तक, जी हाँ दोस्तों, हम पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, आपके लिए एक और भी खुशखबरी है कि हम जो है अब स्मार्ट न्यूज चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको बस करना क्या होगा, आपको हमें मेल करना होगा अपने स्टडी से रिलेटेड कि सर मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, ये वाली तैयारी कर रहा हूँ वगैरह, जो भी आपका रहेगा एक्स्ट्रा, जैसे CGL हुआ, SSC MTS हुआ, चाहे आप बैंकिंग में कोई सेक्टर में हो, चाहे नेटसेट हो, आप कोई भी सेक्टर में आप जो भी हैं, आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, आपको स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए ऑनलाइन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको जैसे मैं बता देता हूँ कि जो आरपीएफ एनएलसी के 798 पोस्ट है, इसमें जो है ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी, डी, ई और एफ। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रुप में जो है आपका एग्ज़ाम हुआ। पहले इसका क्या हुआ था, सबसे पहले चीज़ हुई थी आपका इसका CBT जो हुआ था आपका 60 मार्क्स का। उसके बाद आपके लिए जो 40 मार्क्स बच गए हैं वो आपका TT में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो चल रहा है फिलहाल ट्रेड टेस्ट, उसके लिए है। तो कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का जो है लिस्ट आने वाली है। जी हाँ, 100 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स मिले, यही मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी जो फाइनल रिजल्ट में आने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक जो है ग्रुप सी का, जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी जिसका आसनसोल, जी हाँ, आसनसोल और हावड़ा, ये जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर जो है आपका इस समय ट्रेड टेस्ट चल रहा है ग्रुप सी वालों का, जिसकी वजह से अभी तक जो इसका रिजल्ट जो है तैयार नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी वजह दोस्तों ये रही कि क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बरसात के समय यानी रेजिन सीजन जो था बहुत ज़्यादा हो गया था महाराष्ट्र और कुछ इलाकों में, जहाँ पे बाढ़ आ गई थी, और जिसकी वजह से जो है इसका आरपीएफ का काफ़ी जगह पे कैंसिल हुआ ट्रेड टेस्ट का, और कई जगह का जो है PT कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। और दिक्कत का सामना सिर्फ उन लोगों को ही नहीं, साथ साथ आरपीएफ बोर्ड को भी हो रही है, क्योंकि ये जो भर्ती थी वो अब तक समाप्त होने के कगार पे थी। नवंबर दिसंबर तक आपका इसका जो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, जो कि जनवरी से आपका इसका स्टार्ट है प्रोसेस, लेकिन इसी कारणवश बस ये बारिश की वजह से जो ज़्यादा नुकसान हुआ, उसी की वजह से जो है अभी तक इसका रिजल्ट तैयार नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये कि अब जब रिजल्ट में देरी हो रही है तो उसकी वजह यह भी है कि ग्रुप सी का अब जो है अभी फिलहाल चालू है और ये जो है अक्टूबर तक पूरा खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो रिजल्ट आने का जो दो एक्सपेक्टेड डेट है, जी हाँ दोस्तों, ये टेंटेटिव डेट है। हमने कांस्टेबल से बात की, उन्होंने हमें बताया कि सर देखिए अभी तक जो है हम आपको एक प्रॉपर डेट नहीं दे सकते, बस हाँ एक टेंटेटिव डेट दे सकते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 नवंबर तक। जी हाँ दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिए, 25 नवंबर तक जो है आपको इसका रिजल्ट जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएगा। जिन जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया है उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे बच्चा फेल हो चाहे पास हो, आपको आपके मार्क्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का यही परेशानी थी कि सर हम अपने CBT के मार्क्स भूल चुके हैं, कैसे हम वापस देख सकते हैं। तो वेबसाइट से वो हटा दी जाता है लिंक, लेकिन अब जो है वापस से जब लिंक अपडेट की जाएगी तो उसमें आपका जो है CBT के मार्क्स, जी हाँ, CBT में आपने कितने मार्क्स लिए थे यानी 60 में से, वो मार्क्स होंगे, प्लस TT में आपको कितने मार्क्स मिले वो मिला के, जी हाँ दोस्तों, 100 में से आपका जो है कट ऑफ बनेगी, और जितने मार्क्स आपके होंगे आप पता कर सकते हैं कि आपके CBT में कितने मिले और TT में कितने मिले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उनके पास भी अपडेट पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।